यूनुस की बीमारी को कितना वक्त हो गया, किसी को याद है? आगा, 4 जुमे गुजर चुके हैं। यकीनन इसमें भी कोई खैर होगी। मुमकिन है कोई आने वाली बला टली हो। अब आप बेहतर है ना बीर भाई, चल सकेंगे खुद। मैं सहारा दूं आपको यूनुस अफंदी। जहमत ना कीजिए शेख मोहतरम, ठीक है अब हमारे पीर भाई। वैसे नमाज तो अदा कर पाएंगे ना पीर भाई, चाहें तो कजा भी पढ़ सकते हैं जब बेहतर महसूस करें। अगर आपकी इजाजत हो तो यूनुस पीर भाई को इनके हुजरे में जाकर लिटा दूं। इनका ख्याल रखने की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दें। इनकी मर्जी हो तो जरूर ले जाओ। बिस्तर अच्छी तरह धोया था बच्चे? जी अम्मा जान। किरा बच्चे, वहां से जल्दी से कंबल ले आओ। शोरबा पकने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दो बच्चे, हो सकता है जब वो वापस आए तो भूख लगी हो उन्हें। जी ठीक है, फौरन जाकर तैयार कर लेती हूँ, प्याले में निकाल कर ले आऊंगी। बाबा ने जबरदस्ती खिलाने की ताकीद की है उन्हें। खुश आमदेद यूनुस पीर भाई, किसी की तलाश है? कुछ खाएंगे? मैंने ऐसा शोरबा बनाया है जो रूह को भी शिफा दे। याद है ना आपको यूनुस अफंदी? आप कहते थे ऐसा शोरबा कहीं नहीं मिलता, ना कौनिया के बाजारों में और ना ही कराताई मदरसों के ताम खानों में। वहां बैठिए ना, खड़े क्यों हैं आप, बैठ जाइए। तो शिफा हो लीजिए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने यूनुस अफंदी को देखा है पीर भाई? नहीं कासिम आगा, अभी तो नहीं देखा। अल्लाह खैर करे, बागीचे में तो नहीं चले गए कहीं? वो वहीं से आ रहा हूं, मैंने नहीं देखा। शोरबा पसंद नहीं आया, चावल लाऊं आपके लिए? यूनुस, आपको तो हुजरे में ही दिया जाना था ना शोरबा। खुद ही यहां आकर बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम था कासिम आगा। अस्सलामुअलैकुम।
खानम ने तुम्हारे लिए दूध भिजवाया है, तुम आराम से बैठो, शोरबा तो पी लो। खैर है कासिम आगा, किन सोचों में हो? अगर आपकी इजाजत हो तो बाजार का एक चक्कर लगाऊं शेख मोहतरम। हाँ जाके काम निपटा लो, लेकिन यहां भी काम पड़े हैं दरगाह में। फिक्र ना करो, तुम जाओ। जाओ यूनुस, सभा के बैठ जाओ यहां, ताकि नाश्ते से पहले हम दुआ पढ़ लें। फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह ज़ादहुल्लाह अला बरकातिल्लाह नेमते जलील बरकात खलील शिफात रसूल सलामती हाजरीन की और सलामती गायबीन की और सलामती अख़वान तरीक़त की और सलामती जमीए उम्मते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की। पीराने वली अल्लाह की मोहब्बत नसीब फरमा। बराए हजरत पीर अल-फातिहा। अस्सलाम वालेकुम कासिम आगा। वालेकुम अस्सलाम आगा। खैर तो है, कहाँ की रवानगी है? दरअसल दरगाह के लिए कुछ सामान लेना है। कहें तो मैं चलूं आपके साथ? नहीं नहीं, आप जहमत ना कीजिए। चलें ठीक है, शेख को हमारा सलाम बसर एहतराम दीजिएगा। जी बिल्कुल। हाजिर हो सकता हूँ बासिम सुल्तान? जी जी आइए। अल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह आपसे राजी हो। यूनुस आ जाइए। यूनुस आफंदी को दवाएं लेना भेजा है शेख मोहतरम ने। खुश आमदीद बच्चों। बहुत शुक्रिया।
यूनुस अफंदी को अपनी दवाएं चाहिए थी, इसीलिए साथ लाए हैं अली ताइगो। अच्छा, आइए अली ताइगो अफंदी, आइए। मैं अभी लेकर आता हूँ, आप यहीं ठहरिए। जल्द ठीक हो जाएंगे आप, अल्लाह ने चाहा तो। जी। बहुत तकलीफ उठाई है आपने, एक माह बिस्तर पर पड़े रहे, पानी भी कतरा कतरा करके। मिकाल अफंदी माहिर तबीब हैं पूरे नालेहान में, उन्हीं की वजह से तो हम इतने सुकून में हैं। इत्तफाक देखिए, नालेहान में तैनाती के पहले रोज ही आप शहर का दौरा करते हुए उनके मतलब जा पहुंचे थे। ले आया मैं। बहुत जल्द इन दवाओं से शिफा होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नागा ना हो दवा में, ताकीद कर गए थे मिकाल चाचा। चलते हैं यूनुस अफंदी। कासिम आगा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया किरा बहन। मिकाल अफंदी यहाँ नहीं है क्या? बाबा किसी मरीज को देखने के लिए गए हैं। खैरियत है, आपकी तबीयत ठीक है? जी अल्लाह का शुक्र है, बस एक मसला हो गया था, उसी सिलसिले में बात करने आया था। मुझे बताइए, शायद मैं मदद कर सकूं आपकी। दरअसल काफी संगीन मसला है। मेरे अकरबा में किसी को हादसा पेश आ गया है, उसी बारे में मुझे एक मशवरा करना था। क्या हादसा पेश आया? असल में मवेशी को चराते हुए अचानक वो चट्टान से गिरकर जख्मी हो गए। एक रात कोई जख्मी आया तो था किसी गांव से? कौन से गांव से था? करातपे गांव का है। यहां तो नहीं लाया गया उसे, मसला क्या है? उनके हादसे को एक माह से ज्यादा हो चुका है, मगर लगता है उनकी याददाश्त चली गई, ना चेहरे याद हैं ना जगहों को पहचान रहे हैं, जैसे कि पहली बार देख रहे हों दुनिया को। होता है, ऐसा होता है, लेकिन इसकी वजह क्या है मुझे नहीं मालूम। बाबा कहते हैं सर पर जर्ब लगे तो ऐसा हो जाता है, कुछ लोग सब भूल जाते हैं और पास को थोड़ा याद रह जाता है। तो क्या ऐसे मरीज ठीक हो जाते हैं? जी हो जाते हैं, मगर या तो एकदम से ठीक हो जाते हैं या फिर आहिस्ता आहिस्ता ठीक होते हैं। बाबा ने बताया था, मायूस ना हो आप, उन्हें यहाँ लेकर आ जाएं, बाबा मुआयना कर लेंगे। याददाश्त खो जाने वालों का भी इलाज किया है बाबा ने, और अब वो पहले जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ चाहिए था बाबा जान? बैठी रहो बेटी। बाबा, यूनुस अफंदी। हाँ बेटी, बोलो क्या है? अजीब हाल है उनका बाबा। दुनिया का हाल खुद अजीब है बेटी, यूनुस का भी हो सकता है। सारी चीजें ऐसे देख रहे हैं जैसे पहली बार देखी हूँ उन्होंने, हर शय हर शक्ल जैसे जानते पहचानते ही ना हूँ किसी भी ताल्लुक को। बाबा कहते हैं खुद को जान लो काफी है।
तुम कौन हो? कौन हो तुम? तबीब नहीं है हम जो तुम उठ खड़े हुए फर्जंद। बैठ जाओ, बैठो। बिस्तर आरामदेह है ना? हाँ, 3 महीनों में आदत हो गई होगी कोनिया के आरामदेह बिस्तर की। यहाँ कहीं रूई के नरम गर्म बिस्तर नहीं है, न फकीर खाने में न हुजरों में। हाँ, कुछ कहना चाहते हो? कोई मसाला है? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ फिर। शेख मोहतरम, जहन में अनगिनत सवाल आते हों तो खामोशी गालिब आने लगती है। पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं कौन हूं? मुझे बताइए शेख मोहतरम। हर शख्स जानता है कि तुम कौन हो, बस तुम ही नहीं जानते कि तुम कौन हो। अगर तुम ही खुद को न जानते हो, चाहे हर कोई तुम्हें जानता हो, तो हर एक के तुम्हें जानने का क्या फायदा? हम ज़बानी नहीं बता सकते कि तुम कौन हो। अलबत्ता अगर तुम चाहो, जरा सी हिम्मत कर लो अगर, तो जरा चहल कदमी कर ले बाहर। क्योंकि कहते हैं ना कि पांव चलें तो जहन चलता है। चलो आ जाओ मेरे साथ। वैसे नमाज तो अदा कर पाएंगे ना फिर भाई? चाहे तो कजा भी पढ़ सकते हैं जब बेहतर महसूस करें। खड़ा नहीं हुआ जा रहा तो बैठ कर पढ़ लें। चले आइए फिर। वजू खाना तो उस तरफ है पीर भाई, मुझे लगता है आप भूल गए। शब बखैर काज़िम अफंदी। तीन दिन गुजर गए मेंबर सास को। काम खत्म किए बगैर वो वापस नहीं आता, चाहे 30 दिन लगे या 3 दिन। शेख मोहतरम, चलो आओ फरजंद, मिलकर खोज लगाते हैं कि कौन हो तुम। खुशामदीद, आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। खुशामदीद यूनुस अफंदी। हवा खोरी को जा रहे हैं यूनुस के साथ। देखा, हर शख्स जानता है तुम्हें। देखो, इसने भी पहचान लिया तुम्हें। पूछो इससे, किस तरह पहचाना? रुको, रुक जाओ, रुको।
आज से एक नया फरीजा सौंप रहा हूं तुमको यूनुस। ये लो बर्तन, ये तुम्हारी नई जिम्मेदारी है। कराबाश का ख्याल रखोगे तुम। आज से इसे खाना देना तुम्हारा फर्ज है यूनुस। देखो खानम इसका खाना बना चुकी होंगी, जाकर ले आओ बर्तन में। कहाँ है खराबा? मैं नहीं जानता मारा। वो मत जानो जो जानते, जो नहीं जानते वो जानो। कहीं चली गई होगी वो। जानवर पर तवज्जो नहीं दोगे तो कहीं और चला जाएगा। हैवान है वो, ना तरबियत याफ्ता है ना इल्म मिला उसे। जैसे ही पेट भरा दुनिया की कशिश उसे खींच लेगी यूनुस। फौरन चले जाओ और ढूंढ कर लाओ उसे। जो बेतरबियत हो पट्टा डाला जाता है, अगर वो ना आए तो ये जंजीर बांधना और खींचते ले आना उसे। बाजार में ढूंढो, हर मोहल्ला हर कूचा, हत्ता के हर दुकान देखना। जहां से खाना मिला होगा उसे वही मंडलारी होगी। चलो आयो। मजीद हिम्मत है अपनी तलाश की। आ गई है वो, जंजीर डाल दी गई है। बेचारी, खाना तैयार कर दो, भूखी होगी। अम्मा, बाबा और यूनुस अफंदी? हाँ, बाहर गए हैं दोनों। शुक्र है शिफा हो यूनुस अफंदी को। वैसे कहाँ गए हैं वो दोनों? मालूम नहीं, कुछ तलाश का कह रहे थे। तलाश किसकी समझ नहीं सकी। बच्चे, तुमने मुझे परेशान करके रख दिया। कोई काम नहीं है तो अच्छा ही सोच लो। चलो देखते हैं क्या हाल अहवाल हैं घोड़ों के। बरसों हमारा बोझ होते हैं हमारे ये वफादार साथी, अब कहने को तो सिर्फ बोझ ही होते हैं, असल में हमारी मुश्किलें बांट लेते हैं। यूनुस अफंदी यही है वो मेहमान जिस पर तुम सवार थे। देखो, पहचानते हो ना इसे? कुछ कहना चाहता है तुमसे। Thank you.
कौंडिया क्या कह रहा है? अस्तग़फ़िरुल्लाह। उधर देखो जरा सामने, क्या कह रहा है नालेहान? बीच बाजार, ये चौराहा, ये गलियां, ये रास्ते, अरे ये क्या, यूनुस अफंदी है ना ये तो? हाँ, लगते तो वही है, काजी यूनुस अफंदी कहो। इस नजिस को रास्ते से हटाओ सूबेदार। एक दीवाना जो खुद को नहीं संभाल सकता, वो इस जानवर को क्या संभालेगा? यूनुस, ये मरकजी चौराहा है नालेहान का। इबरत हासिल करनी हो जिंदगी में तो यही काफी है बस। कहते हैं ना कि रऊसा, शुरफा, काजी शहर को मुजरिमों के हवाले नहीं करते। ये वो जगह है जहां सरेआम मुजरिमों के सर कलम किए जाते हैं ताकि लोग उनके अंजाम से इबरत हासिल करें। यूं समझो चौराहों का सरदार है ये। अस्सलामु अलैकुम। जल्द सेहत याब हो यूनुस अफंदी। शुक्र है आप चलने फिरने लगे। शुक्रिया अहसन। हसन, हसन, थोड़े दिन देखा नहीं तो भूल गए मेंबर चीखो खाजिया बंदी। हसन बेकसूर है। Thank you.
हाँ, तशद्दुद से ज्यादा ताकतवर है रहम। तशद्दुद से ज्यादा ताकतवर है रहम। किसने कहा, किससे कहा, ये कहाँ कहा गया? उलझन हो रही होगी, चलो बता देता हूं आपको। ओदोन ने कहा ये, ओदोन ने। कौन थे भला ये ओदोन? ये थे एक मसीही पादरी। भाई, हम अपना किस्से तो सुनाते ही रहते हैं, क्यों ना आज की महफिल में एक मसीही पादरी की बातें सुनाई जाएं। पादरी के कहने से भी हकीकत हकीकत ही रहती है। पादरी अगर कोई बात कह दे तो बातिल थोड़ी हो जाएगी हकीकत। तो पादरी ओदोन अनातोलिया के रहने वाले थे। मरहूम सुल्तान मोहम्मद गयासुद्दीन ने जिसे फतह किया था। काफिर दोबारा इकट्ठे हुए और इस बार मुसलमानों के खिलाफ सलीबी जंग का मरकज बनाया अनातोलिया को। ये दूसरा सलीबी मार्ग था। उनका लश्कर बढ़ते बढ़ते हमारी हदूद तक आ पहुंचा था। उनका एक जत्था पहले गाजियों के हाथों मारा गया। अब दूसरा जत्था तरूस पहाड़ी पर चढ़कर उसे उबूर करके आगे आना चाहता था। असल में सलीबी लश्कर की जब बात हो तो यूं समझो कि एक पूरा शहर हरकत कर रहा हो जैसे। लश्कर आगे बढ़ता रहा और फिर रात पड़ाव के लिए वो शहर एक जगह ठहरा। जाहिर है लश्कर के लिए रोटी चाहिए होती है, गोश्त चाहिए होता है। तो क्या किया काफिरों ने? मकामी लोगों से तलब किया खाना। क्या अलमाली का नाम मालूम है आपको? अलमाली का मालूम है, मैं जानता हूं, मालूम है आप लोगों को। बहुत अच्छे हुनरमंद होते हैं अलमाली वाले, उनके बारे में फिर कभी बताऊंगा। तो किस्सा मुख्तसर, उस सलीबी लश्कर ने उस रात अलमाली में पड़ाव डाला और ऐसी बेतहाशा लूटमार की वहां पर कि वो सलीबी लश्कर जिन रूमियों की हिमायत में लड़ने आया था उन्होंने ही बगावत कर दी। तुर्कों के साथ मिल गए वो। जालिम के बजाय वो लोग मजलूमों का साथ देने पर मजबूर हो गए। यानी चश्म फलक ने यह अजीब गरीब मंजर भी देखा कि रूमी ही सलीबियों से भिड़ गए। सलीबी कुफार हैरान और परेशान थे। गद्दार कहा उन्होंने रूमी बागियों को। तुर्क तलवारें बेनियाम भी न हुई थी कि रूमियों की नागाहनी शमशीरें बिजली बनकर टूट पड़ी उन पर। बिलाखिर सलीबी फौज ने हथियार डाल दिए अलमाली में। तब उन भूखे दरमांदा और आजिज लश्करियों को अमान दी गई और उन पर रहम करने का फैसला किया अलमाली के साहिबान हुक्म ने। कहते हैं अमान तो अगर इबलीस भी मांग ले तो तलवारें म्यान में रख लेनी चाहिए। उन्होंने भी ऐसा ही कुछ किया और रहम दिली से काम लिया। रिवायतों में आता है कि 3,000 सलीबी फौजी अलमाली में ही रुक गए और मुसलमान हो गए। उसके बाद जब ये सारा वाकया देखा पादरी ने, पादरी ओदोन ने, तो जारो कतार रोए पादरी ओदोन अपने सलीबी भाइयों के मुसलमान होने का जानकर बोले, जुल्म से ज्यादा ताकतवर है रहम दिली। हाँ, मगर इस बात के भी कई पहलू हैं जागरे आफंदी। कभी ये रहम करता है तकमील और कभी ये कर देता है खात्मा। कहीं इससे बनते हैं दोस्त, कहीं मिलता है मनसब। हाँ, जुल्म से कहीं ज्यादा ताकतवर है रहम।
इंसान को पहले रहमदिली से ही काम लेना चाहिए। रहमदिली के बगैर हम दीन नहीं फैला सकते। तो अलमारी वालों का ये अमल क्या था? अमान मांगने वालों को कत्ल क्यों नहीं किया? क्योंकि तीर और तलवार काम आते हैं मैदान जंग में। जिंदगी के मैदान में काम आती है रहमदिली। जो साहिब ईमान हैं वो जानते हैं कि रहम से बड़ी कोई ताकत नहीं। खात्मा ना करो, तकमील कर दो। अगरचे खात्मे का भी मौका होता है, मकसद के लिए खात्मा, दोस्ती के लिए खात्मा, मनसब के लिए खात्मा, खात्मा और बस खात्मा। और रही तकमील, तो तबलीग के लिए तकमील, उख़ुवत के लिए तकमील, इजाफे के लिए तकमील। क्यों? क्योंकि समझा जाए तो जुल्म से बहुत ज्यादा ताकतवर है रहम। इंसान तो इंसान, जमीन पर रेंगते कीड़े मकौड़े हों या हवा में उड़ते परिंदे, रहम से वो भी खाली नहीं है। दिल में रहम न भरोगे तो जहरीले सांपों से भर जाएगा। दिल तो एक खाली प्याले की तरह है। क्यों ऐसा ही है ना अली दाएगो? तुम क्या कहते हो? ऐसा ही है शेख मोहतरम। अगर दिल को रहम से लबरेज नहीं करोगे तो तकब्बुर से, हर्स से, नफसानी ख्वाहिश से भर जाएगा। और हर्स चाहे दोस्ती में हो और चाहे मकामो मनसब में हो। काफी बातें हो गई भाइयों, अब हम रब्बे मेहरबान का कलाम सुनते हैं। हाफिज बाबा शुरू कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما Thank you.
तुम्हें आज से एक नया फरीजा सौंप रहा हूं यूनुस। बहुत सोचा, यही समझ आया कि ये फरीजा दरगाह में तुम्हारे अलावा कोई और अंजाम नहीं दे सकता, इसलिए अब से तुम मुस्तकिल मैं नहीं जानता का वर्द किया करोगे। जब भी तुमसे कोई सवाल किया जाए कहो मैं नहीं जानता। कोई भी किसी भी मौजू से मुताल्लुक जानना चाहे कि उस मौजू पर तुम्हारी राय क्या है तो मैं नहीं जानता के अलावा कुछ नहीं कहोगे। जिस तरह के मुरीद पर जिक्र वाजिब होता है इसी तरह से तुम पर मैं नहीं जानता का जिक्र वाजिब किया जा रहा है। शाम बखैर यूनुस अफंदी। शाम बखैर कासिम अफंदी। अंदर आ सकता हूं मैं? बिल्कुल आइए। बेहतर लग रहे हैं अब, शुक्र है। दरवेश आज जितने खुश हैं कल तक इससे कहीं ज्यादा परेशान थे। फितरी बात है, मैंने सोचा कि अगर आप जाग रहे हैं तो हाल अहवाल दरियाफ्त करता चलूं, क्योंकि यूनुस अफंदी ही अपना हाल बता सकते हैं। जाहिर है हम तो सिर्फ अंदाजा जाहिर कर सकते हैं। वक्त है क्या आपके पास? कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं बैठकर आपस में। मैं नहीं जानता। ये क्या बदतहजीबी है? मुसलसल बेइज्जती की जा रही है मेरी। क्या यह मजूबों की दरगाह है? हाँ, एक आध मजूब जरूर है यहां, एक आध। जब जी चाहे मुंह उठाकर शेख के हुजूर चले आना, उन्हें तंग करना मुनासिब नहीं। जरा उसूल व आदाब का ख्याल रखा कीजिए बीर भाई। बहराम आगा की तकलीफ कम नहीं हो रही, दूसरी तरफ करवट लेते ही तीर का जख्म हरा हो जाता है उनका। हाँ, वो तीर भी तो खुद ही बनाया था बहराम आगा ने, आखिर वो माहिर लोहार हैं नालेहान के। हमने काफी सोच विचार की इस पर, बिलाखिर तुम्हारे लिए एक वजीफा सोच ही लिया हमने। वो जो उसूल व आदाब के बारे में बात की थी कल मैंने, अगर आपकी दिल आजारी हुई हो तो माजरत। यूनुस अफंदी को देखा भी बाजार में मैंने, ऐसे मशकीजा उठाए हुए थे जैसे माशकी हो। बैठो तो सही। ऐसा कभी सुना तो नहीं है पहले कि कोई काजी का ओहदा छोड़कर यूं दरवेश बन जाए। हमारे पीर हजरत अहमद यस्वी रहमतुल्लाह अलैह दरवेश से मुतालिक हजरत अली का ये कौल बयान करते हैं, वो शख्स जो रात में नमाज के लिए नहीं उठता, दिन में मखलूक की खिदमत नहीं करता और शेख होने का दावा करता है तो उसका दावा सरासर बातिल है।